लंबे समय से रुकी हुई बारिश मानो एकदम बादल फट गए हैं, और इस तरह से बारिश का मौसम एकदम तेज हुआ, और तेज बारिश ने शहर के साथ ही जिले में कई जगह बारिश के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों के घरों में पानी भर गया है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। इसी के साथ ही ये भी देखा गया कि देवास और नागदा, देवास और सोनकच्छ एवं शहर के अन्य क्षेत्रों का आपसी में संपर्क भी टूट चुका है। इसी के साथ ही जल स्तर इतना बढ़ चुका है कि लोगों के लिए अब निकलना दुभर हो चुका है। इसी के साथ ही देवास के शंकरगढ़ से करीब 150-200 लोगों को वहाँ से निकाला गया है और उन्हें अन्यत्र जगह पर विस्थापित किया गया है। दूसरी ओर शहर के कई क्षेत्रों में पानी भर गया है, तो वहाँ के क्षेत्रवासी वीडियो वायरल कर अपने क्षेत्र की समस्याएं बता रहे हैं। देखा गया कि देवास के नुसरत नगर वार्ड क्रमांक 35 में लोगों के घरों में और रोड पर पानी भर गया है, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों ने एक वीडियो भी जारी किया है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि यहाँ पे कुछ करें, बहुत पानी आ रहा है, लोग मजे ले रहे हैं, मतलब तकलीफ उठा रहे हैं, तो ये तकलीफ का कुछ समाधान करें। देखो कितना परेशान हो रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, तो इनकी परेशानी दूर करें। मोहल्ले का नज़ारा है कि ऐसा पानी गिर गया, रोडों पे पानी है, लोगों के घरों में पानी घुस गया, घरों में पानी, घर गिर गया। अरे इधर बता दिया, बच्चे देखो रोड में आ गए हैं, ऐसा रोडों पे पानी भरा हुआ है, इसका निकास कुछ भी नहीं है, और उधर का खास करके हमारे राजू भाई कब्रिस्तान को बता, मस्जिद में पानी भरा गया क्या? हाँ ले लो ले लो, जैसे ये बोला ये विकास भी इसकी वजह से पानी इधर भी भरा गया, बोले पानी हाँ बोले पक्का है, पानी बड़े पुल पे।